ओम शांति। ये विश्व का विशाल नाटक कितना सुंदर और वंडरफुल बना हुआ है। हम इसमें हीरो एक्टर्स हैं। सृष्टि के आदि से और अंत तक मुख्य पार्ट बजाते हुए आए हैं। ड्रामा का विशाल ज्ञान जो संसार में कभी किसी ने किसी को नहीं दिया, स्वयं परम शिक्षक ने आकर हम सबको प्रदान किया। हम इस ड्रामा के ज्ञान को यूज करके अपने चित्त को शांत किया करें और इस संसार के लिए, हर एक आत्मा के लिए साक्षी भाव बढ़ाते चलें। यहां सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। मैं भी एक्टर हूं, हीरो एक्टर हूं। आज सारा दिन ये याद रखेंगे, मैं हीरो एक्टर हूं तो मुझे स्टेज पर बहुत सुंदर पार्ट बजाना है। सारा संसार मेरे पार्ट को देखता है। जरा सी भी मिस्टेक अनेकों में मिस्टेक पैदा कर सकती है। मेरा जरा सा अलबेलापन अनेकों को अलबेलापन सिखा सकता है। मेरी सुस्ती अनेकों में सुस्ती भर सकती है। दूसरी बात, इस ड्रामा में सभी का अपना अपना भाग्य है। किसी की चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं। इस विश्व ड्रामा में सभी बहुत बुद्धिमान नहीं होते, सभी कमजोर भी नहीं होते। किसी का भाग्य बहुत श्रेष्ठ है तो किसी का कम है। भाग्य को यदि कोई बदलना चाहे तो वो स्वयं तो बदल सकता है, दूसरे उसे मदद कर सकते हैं, लेकिन चिंता करने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तीसरी बात, दूसरों को देखते हुए उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखें और बहुत अच्छी तरह एंजॉय करें। ये सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। साक्षी हो जाएं, सबका पार्ट, सभी को उनकी योग्यताओं के अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट मिला हुआ है। किसी के पार्ट को देखकर न ईर्ष्या होनी चाहिए, न क्वेश्चंस उठने चाहिए, न पर चिंतन होना चाहिए। बहुत एंजॉय करें, कैसा विशाल नाटक है। एक का पार्ट दूसरे से कदापि नहीं मिलता, एक समय का पार्ट दूसरे समय से नहीं मिलता। जितनी आत्माएं अरबों, उनका अलग अलग पार्ट, हर समय का अलग पार्ट, कितना विशाल नाटक है। लोग सोचते हैं किसने इसको बनाया है, किसने डिजाइन किया है। ये आत्मा और प्रकृति के मिलन से चलने वाला विश्व का खेल है। अगली बात याद रखेंगे, सभी इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए यहाँ किसी का भी कोई दोष नहीं है। अगली बात याद रखेंगे, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। जो यहाँ हो रहा है वही सत्य है। इसमें कहीं भी कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। भले किसी को अपना ड्रामा देखकर लगता हो मेरा तो ये ड्रामा अच्छा नहीं है, लेकिन हमने अपना और ड्रामा स्वयं ही निर्माण किया था, इसलिए हमें उसको स्वीकार करके उसी को एंजॉय करना चाहिए। और अगर कोई गलत बात है उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह ड्रामा के ज्ञान से हम साक्षी भाव धारण करेंगे और याद रखेंगे, जो आत्माएं साक्षी भाव में स्थित हो जाती हैं, वो एक मास का काम एक घंटे में ही कर सकती हैं, इतनी शक्ति उनमें आ जाती है। तो आज सारा दिन, ये संसार एक सुंदर नाटक है, मैं इसमें हीरो एक्टर हूँ और सभी आत्माएं इसमें अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास हम करेंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा पार्ट बजाने के लिए इस देह में अवतरित हुई हूँ। मैं अवतार हूँ, ये देह बिल्कुल अलग है और मैं इससे एकदम न्यारी। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, अवतार लिया, मैंने भी इस तन में प्रवेश किया है। परमात्मा के साथ मैं भी इस मुख्य
कार्य में रत हो गई हूँ, लग गई हूँ, तो मैं अवतरित आत्मा हूँ। मुझे सबको देना है, मैंने देने के लिए ही अवतार धारण किया है, ऐसी गुड फीलिंग आज सारा दिन रखेंगे और ड्रामा के खेल को पूरी तरह साक्षी होकर देखते रहेंगे। ओम शांति।